नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी आजकल जो सारी सोच है, कर हो, शासन व्यवस्था हो, वो राम राज्य के चारों तरफ है। और मेरी नहीं, बहुत पहले से। आज ये दूसरे राजनीतिक दल जो परेशान है राम के नाम से, कुछ राम के नाम पर है दोनों, इन्हें समझना चाहिए सबसे पहले बापू ने 1930 में जो हिंदी नवजीवन पत्रिका थी उसमें लेख लिखा, जब दांडी मार्च पर थे बापू, और बापू ने लिखा एक लेख स्वराज और राम राज्य। उसमें पहली बार बापू ने राम राज्य के बारे में बताया। और राम राज्य की इन्हीं अवधारणाओं से अगर आप तुलसीकृत जितने भी ग्रंथ हैं मानस के अतिरिक्त भी, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका पढ़ो, तो आपको कर व्यवस्था पता चलेगी कि आज की नहीं है, ये लाखों वर्ष से कर निर्धारण की व्यवस्था है। जैसे कर कैसे लेना चाहिए, भरत से राम ने पूछा कि कर की व्यवस्था कैसे कर रहे हो। जब राम के पास पहुंचे भरत, तो उन्होंने कहा जैसे एक शौक वंश करता है वैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बताओ। तो भरत ने जो व्यवस्था बनाई उसे तुलसी ने दोहावली में अनुवाद करके बताया। राम ने कहा कि हम सूर्यवंशी हैं, हमें कर ऐसे लेना चाहिए जैसे सूरज लेता है। अब आपको आश्चर्य होगा सूरज कर कैसे लेता है। सूरज कर कैसे लेता है, जैसे सूरज पानी सोखता है। जब वो पानी सोखता है तो समुद्र से सोखता है, नदी से सोखता है, नाले से सोखता है, यहां तक कि हमारी अंजुरी से सोख लेता है, यहां तक कि गिलास से सोख लेता है। लेकिन उसी पानी को बादल बनाकर जब वो कम दबाव की जगह पर जहां जरूरत है वहां बरसाता है लाकर, तो लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह क्या मौसम आया। तो राजा को ऐसा होना चाहिए। तो तुलसी ने लिखा कि बरसत हर्षत सब लखें, जैसे थोड़ा सा बरस रहा है हम कितने प्रसन्न है, बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखें न कोए। बरसते हुए तो हर्ष कर सब देखें, और जब खींचे तो कोई ना देखे। तुलसी प्रजा सुभाग से, प्रजा के सौभाग्य से भूप भानु से होए। राजा को भानु जैसा, सूर्य जैसा होना चाहिए। यानी कि जब टैक्स ले सरकार हमसे तो हमें पता ना चले, ऐसे चुपके से काट ले। लेकिन जब उसे राज्य के कल्याण के कामों में लगाए, हाईवेज बनाए, पुल बनाए, आईटीज बनाए, आईएम बनाए, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, चमकी बुखार से लड़ने के लिए योजनाएं लाए पूरे भारत में, तो सब खुश होंगे सरकार कितनी अच्छी है। एक जगह और उन्होंने बोला है टैक्स कैसा बनना चाहिए, जो अमीर हैं जो दे सकते हैं उनसे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए, और जो गरीब है उसे टैक्स नहीं लेना चाहिए। और अमीर से जो टैक्स लेगा तभी तो समाजवाद आएगा, जो समाजवादी भी नहीं बोलते। राम पहले समाजवादी हैं। तो राम ने क्या किया, आपने कैसे राम राज्य बना, तो उसी बताते कि मणि माणिक महंगे किए, मणियां और माणिक महंगे कर लिए। भाई रोटी लोगों को मिल नहीं रहा, आप हीरा खरीद रहे हो, अगर हीरा खरीदना है तो ओके ज्यादा पैसे दो, ज्यादा कमाया। मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज। क्या क्या चीज, सहजे तृण जल नाज। तृण माने तिनके, खाने का, जो पशु पक्षी खाएंगे, पशु खाएंगे। जल जो सबके लिए चाहिए, पशु के लिए चाहिए, मेरे लिए भी चाहिए। और नाज भोजन। तो मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। ठीक है ना, दलित चेतना, किसान की चेतना, राम है गरीब नवाज, वो गरीब का हित जानते हैं। वो क्या क्या उन्होंने अपनी व्यवस्था में, उनका बजट कैसा आया राम का, राम के बजट की पहली सूचना क्या है, मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज। अगर ये सरकार करते कोई करते तो बहुत बढ़िया बात है। अगर बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज हैं, बीएमडब्ल्यू हैं, आप लगाइए टैक्स। महंगी शराबें हैं, आप लगाइए टैक्स। महंगी सिगरेट हैं, आप लगाइए टैक्स। महंगी बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास की टिकटें हैं हवाई जहाजों की, लगाइए टैक्स। लेकिन ट्रेन के डिब्बे बढ़ा दीजिए, गरीब रथ बढ़ा दीजिए, दुरंतो बढ़ा दीजिए, उसका टिकट सस्ता कर दीजिए। एक जगह और वो बोलते हैं, नाराज हैं वो भी राजाओं से, बलिमिस देखे देवता, देवता देवता बहुत सुनते, तो बलि के बहाने तो देवता देख लिया हमने के कैसे होते। बलिमिस देखे देवता, कर मिस मानव देव, और कर के माध्यम से वो मनुष्य देख लिए तो देवता बने फिरते हैं। क्या मैं गरीब का चिंतक हूँ, गरीब का चिंतक हूँ, उनका टैक्स ने बता दिया। बलिमिस देखे देवता, कर मिस मानव देव, मुए मार सुविचार हत, स्वार्थ साधन एव। सब स्वार्थ के साधन में सामान्य मनुष्य के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये जो कर व्यवस्था है, अगर उसे सुनने के बाद, बजट सुनने के बाद कोई भी आदमी दुखी होता है तो उसके मुंह से राम का नाम या राम राज्य का नाम शोभा नहीं देता। भगवान ने कहा कि जास, क्या राम राज्य की क्या परिभाषा है, राम जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, तो नप अवसद नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रिय प्रजा दुखी है वो नरक का अधिकारी है। तो भाई बजट तो सूर्य की तरह आना चाहिए, ये वर्षत हर्षत सब लखे और कर्षत लखे न कोई। अब कल देखते हैं कितना है, ठीक है आप लोग जाना।